नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 2 में 6.26 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 2 में 2.89 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 2 में 0.32 इंच जबकि Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 2 में 189 ग्राम जबकि Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 2 में फ्लूइड AMOLED जबकि Redmi Note 10 Pro में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 2 में 6.43 इंचेस जबकि Redmi Note 10 Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 2 में 85.59% जबकि Redmi Note 10 Pro में 85.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 2 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 10 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 10 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 2 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 10 Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 2 में माली G77MC9 जबकि Redmi Note 10 Pro में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 2 में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Note 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 2 में नहीं है, जबकि Redmi Note 10 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 2 में 4500mAh जबकि Redmi Note 10 Pro में 5020mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 17,605 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 2 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 2 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 Max है जो कि 24,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus Nord Serie 5G है जो कि 22,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Master Edition 5G है जो कि 27,480 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।